hello class welcome to my youtube channel rising ghoraval myself parmeshwar singh class in this video i am going to provide exercise answers of lesson 6 and lesson name is using list and tables in html5 see section a fill in the blanks first question is the most efficient way to presenting information in a precise manner means इन्फॉर्मेशन को प्रिसाइज मैनर में प्रेजेंट करने का मोस्ट इफिशियंट तरीका है तो इसका आंसर है लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एन लिस्ट इंडेंट्स इच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स अ बुलेट अगेंस्ट ईच आइटम मीन्स वह कौन सी लिस्ट है जो लिस्ट के प्रत्येक आइटम को इंडेंट कर देती है और उसके आगे एक बुलेट एड कर देती है तो इसका आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ द एडिशन सेल्स इन अ टेबल बेंस वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग किया जाता है एक टेबल के एडिशन सेल्स के बॉर्डर्स के बीच में डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए तो इसका आंसर है बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन द एट्रीब्यूट ऑफ ऑयल टैग द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ओयल टैग का वह कौन सा एट्रीब्यूट है जो लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता है तो इसका आंसर है रिवर्स्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट इज यूज टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ डिफिनेशंस फॉर टर्म्स मीन्स वह कौन सी लिस्ट है जिसका प्रयोग किया जाता है टर्म्स के लिए लिस्ट ऑफ डिफिनेशंस को प्रेजेंट करने के लिए तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द नंबर जीरो मीन्स एक ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिक रूप से जीरो नंबर से स्टार्ट होती है तो यह फॉल्स है क्योंकि वन नंबर से स्टार्ट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर दैट विल बी यूज एज अ बुलेट मींस लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी लिस्ट आइटम मार्कर के टाइप को स्पेसिफाइज करती है जिसका प्रयोग बाद में बुलेट के रूप में होगा तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन द टी आर टैग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन साइड द रो टैग टी डी मीन्स टी आर टैग को हमेशा रो टैग टी डी के इनसाइड प्रेजेंट होना चाहिए तो ये फॉल्स है क्योंकि टी डी टैग हमेशा टी आर टैग के इन साइड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन द टैग डी टी इज यूज टू डिफाइन द टर्म्स और प्रयोग किया जाता है टर्म्स और नेम्स को डिफाइन करने के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इम्पटी सेल्स प्रॉपर्टी इज हाइड मींस इम्पटी सेल्स प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू हाइड होती है तो ये फॉल्स है क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है सो so,

इस टास्क को पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर है सी शुड यूज लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी मीनस उसे लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का प्रयोग करना चाहिए सी सेक्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज लिस्ट मीनस अनऑर्डर्ड लिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए बुलेटेड लिस्ट ऑप्शन बी नंबर्ड लिस्ट ऑप्शन सी मल्टी लेवल लिस्ट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए बुलेटेड लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट लिस्ट मीन्स डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर लिस्ट किसके साथ स्टार्ट होती है ऑप्शन ए कैपिटल ए ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी स्मॉल ए तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन विथ प्रॉपर्टी यू कैन स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स मीन्स कौन से प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप लिस्ट आइटम मार्कर्स की पोजिशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑप्शन ए लिस्ट स्टाइल पोजिशन ऑप्शन बी लिस्ट स्टाइल प्लेस ऑप्शन सी लिस्ट पोजिशन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिस्ट स्टाइल पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग ईच टर्म्स और नेम्स मीन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कौन सा टैग हेल्प करता है प्रत्येक टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए ऑप्शन ए डी एल ऑप्शन बी डी डी ऑप्शन सी डी एन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी डी डी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी हेल्प इन स्पेसिफाइंग द प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन मीन्स एक टेबल कैप्शन के प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने में कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है ऑप्शन ए कैप्शन स्टाइल ऑप्शन बी कैप्शन प्लेस ऑप्शन सी कैप्शन साइड तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी कैप्शन साइड सी आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन यूएल एंड ओएल एल टैक्स मींस यूएल और ओयल टैग में अंतर बताइए आंसर टैग इज यूज वेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन एनी पर्टिकुलर सिकवेंस मीन्स जब हमें आइटम्स को किसी पर्टिकुलर सिक्वेंस में डिस्प्ले करना नहीं होता है तब हम यूएल टैग का प्रयोग करते हैं वेयर एज ओयल टैग्स इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर जबकि का प्रयोग किया जाता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट कौन से हैं एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम ब्रीफली मीन्स प्रत्येक को संक्षेप में एक्सप्लेन करिए थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट मीन्स एच डेवल फाइव तीन प्रकार के लिस्ट को सपोर्ट करता है अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखिए अनऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट इज यूज वेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन एनी पर्टिकुलर सिकवेंस मीन्स अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को किसी पर्टिकुलर सिक्वेंस में डिस्प्ले नहीं करना होता

वाट आर टेबल्स एंड हाउ आर दे क्रिएटेड इन एस्टेमल फाइव मीन्स टेबल्स क्या हैं और कैसे एस्टेमल फाइव में क्रिएट होते हैं आंसर टेबल इज़ एन एट्रैक्टिव वे ऑफ प्रजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रोज एन कॉलम्स मीन्स टेबल इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में प्रजेंट करने का एक एट्रैक्टिव तरीका है टू क्रिएट अ टेबल इन एस्टेमल टेबल टैग इज यूज

शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वेयर इन ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज कैन बी स्पेसिफाइड इन वन डिक्लेरेशन मीन्स यह एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें एक ही डिक्लेरेशन में सभी लिस्ट प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट इम्पटी सेल्स दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग वेदर आर नॉट द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड आर टू बी प्लेस्ड अराउंड इम्पटी सेल्स इन अ टेबल मीन्स यह प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि एक इम्पटी सेल के चारों तरफ बॉर्डर रहेगा या नहीं या फिर उसमें बैकग्राउंड रहेगा या नहीं ओके okay क्लास इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग